संडे को सिर्फ यही एक ट्रेन यहाँ से कश्मीर वैली की तरफ जाती है, हालांकि बाकी के डेज़ में यहाँ से दो ट्रेन चलती हैं। खड़ी बानीहाल तक 30 रुपये, या फिर सुंबड़ भी कहें, क्योंकि सुंबड़ खड़ी बानीहाल सेम है, 30 रुपीज। सो दिस इज रेलवे स्टेशन संगलदान फॉर यू वंस अगेन। आई एम हियर टू शो यू द विजुअल्स ऑफ दिस रेलवे स्टेशन। टुडे इट्स क्लाउडी वेदर, सो हैव अ लुक दिस ब्यूटीफुल। तो जी लीजिए, आज आपको फिर से करवाते हैं रेलवे स्टेशन संगलदान का कंप्लीट विजिट। हालांकि पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो तभी यहाँ पे ये फंक्शनल नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे हमें ट्रेन सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। बाहर का विज़िट करें आप, कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन है। और ये मेन गेट रहा जहाँ से एंट्री वगैरह होती है, एग्ज़िट भी यहीं से होते हैं। और पार्किंग स्पेस तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे थोड़ा अंदर चल के जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत इधर का व्यू भी कवर करते हैं। और अभी तो जस्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, व्लॉग में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ट्रेन कितने बजे आती है यहाँ पे, और यहाँ से कितने बजे निकलती है, कितनी ट्रेन आती है, किस दिन आती है और किस दिन ट्रेन सर्विस यहाँ पे नहीं होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस तरफ से आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का व्यू, अद्भुत नज़ारा है भाई यहाँ का। रेलवे स्टेशन संगलदान पूरी तरह से फंक्शनल आज की डेट में मिल रहा है हमें। ये टनल जो है सीधा यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन आता है वो सुंबड़ है, और सुंबड़ इस वाली जो ये पहाड़ी आपको पीछे देख रही है इसके बैक साइड में सुंबड़ आ जाता है। बाकी ये एक साइड, इस साइड में भी टनल है एंड पे एक, और ये जो टनल है ये रियासी की तरफ जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि इस वाली टनल से जब ट्रेन आगे जाएगी तो पहला स्टेशन सुंबड़ आ जाएगा, नेक्स्ट खड़ी एंड देन फिर बानीहाल होगा। रेलवे स्टेशन संगलदान, सिर्फ एक इंजन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल, और ट्रेन जो है वो 1:45 PM पे यहाँ पे आएगी फ्रॉम बानीहाल। एंड अगर यहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात करेंगे तो टोटल 3। तो हमारे संजय सर यहाँ पे आपको दिख सकते हैं जो कि मेरे साथ ही हैं। संजय सर, क्या बोलोगे आप रेलवे स्टेशन संगलदान को लेके? क्या बोलना, अच्छा है, अच्छा है। तो मैं आपको बता रहा था प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे, इस वाली साइड पे हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखने को मिल रही है, और ये ट्रैक है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए। एंड इसके आगे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 देखते हैं हम। वैसे ये भी यहाँ पे लगते हैं कि भाई कौन सा जो है कोच कहाँ पे स्टैंड करेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अभी हूँ मैं, बैक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 3 देखने को मिल रहा है हमें। थोड़ा आपको मैं जूम करके बता दूं, ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और एकदम बढ़िया भाई। तो ये आ गया जी फुट ओवर ब्रिज। हाँ, फुट ओवर ब्रिज पे ही हम जाएंगे और वहाँ से भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ लिफ्ट लगने वाली है, लिफ्ट अभी लगी नहीं है लेकिन लगेगी यहाँ पे लिफ्ट। बाकी ये मैं आपको थोड़ा जो इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे हुई है उसकी जो वायर है वो मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाऊं। ये देख ले आप, इसमें कॉपर वायर देखने को मिल रही है हमें। कलर तो भाई कॉपर जैसा ही है, फिर कॉपर वायर ही होगी, आप देख सकते हैं। ये अभी नई नई है तो इसका कलर जो है सही दिख रहा है हमें। GI शीट्स का ये ब्लू एंड वाइट पैटर्न प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देख सकते हैं, एकदम ऑसम एंड क्लासिकल लगता हुआ। और एंड पे जो टनल आपको दिख रही है ये रियासी वाली साइड का टनल है जहाँ पे अभी ट्रेन सर्विस शुरू होना बाकी है। आपको पता ही है कि ये जो संगलदान है यहाँ से कश्मीर वैली की और अभी ट्रेन सर्विसेज हैं, और संगलदान से लेके कटरा के बीच में अभी वर्क जो है पेंडिंग है, ऑन प्रोग्रेस है। और इस वाले जो है फुट ओवर ब्रिज का आप व्यू चेक करें यहाँ से, मैं थोड़ा पीछे भी आपको दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए इधर से स्टेयर्स जो है नीचे की ओर जाती हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हमारे बिल्कुल राइट साइड में ये है लिफ्ट के लिए जगह। तो ये है जी टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। बारामूला, श्रीनगर, बानीहाल वगैरह कहीं भी जाना होगा, एक ट्रेन 7:25 पे, दूसरी 2:20 पे निकलती है यहाँ से। और जो फेयर है यहाँ से लेके खड़ी बानीहाल तक 30 रुपये, या फिर सुंबड़ भी कहें क्योंकि सुंबड़ खड़ी बानीहाल सेम है, 30 रुपीज़। और फिर उसके बाद 40 रुपीज़ कार्तिकी कुंड का है, 45 सडूरा का है, अनंतनाग का भी 45 ही है, बिजबिहाड़ा, पंचगाम, अवंतीपुरा 50 रुपीज़ है, पामपुर का 55 है, काकपुर का 55 है, एंड पंपुर का 60 है, श्रीनगर का भी 60 है, बड़गाम का 65 है, मजहूम पट्टन हमरे 70, और सोपुर बारामूला 75 है। मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, थूकना मना है। रूम्स वगैरह इस साइड अवेलेबल। सबसे पहले ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन नेम लगा होता है, अभी तो कोई ट्रेन आ नहीं रही है, तो टाइम भी लगा है यहाँ पे। फिर जो ये ए है,
ए हो गया आपका अराइवल टाइम, डी हो गया आपका डिपार्चर का टाइम लगा होता है, और पीएफ हो गया प्लेटफॉर्म नंबर। तो ये चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, हालांकि कश्मीर में तो ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिल रही थी। पहले जब मैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए आपको आया था तो तभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ पर, आज भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ एक चीज़ों पे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मशीनरी वगैरह लगी हुई है, नीचे जो चीज़ें पेंडिंग है वो कंप्लीट हो रही हैं। इस साइड आरपीएफ की एक बिल्डिंग बन रही है ये वाली, तो इस पे काम अभी चल रहा है, और इस साइड में भी सेम एक बिल्डिंग है, वो यहाँ से दिख नहीं रही है। तो अभी जी टाइम हो चुका है 2 PM, यहाँ पे 1:45 PM पे ट्रेन जो है कश्मीर वैली से पहुँची है। अभी आपको लोग भी दिख रहे होंगे, और ट्रेन भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी दिख रही है, और यही वाली ट्रेन जो है यहाँ से वापस जाएगी। मैं आपको बताऊँ कि ये जो संगलदान रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे 2 ट्रेन्स आती और जाती हैं इस वाले स्टेशन से। अगर आने वाली ट्रेनों की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रेन इस वक्त यहाँ पर पहुँची है, यानी कि 1:45 PM पे यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन पहुँचती है, और दूसरी ट्रेन जो है शाम को 6 बजे यहाँ पे पहुँचती है। और यहाँ से जो ट्रेन जाती है कश्मीर वैली की तरफ, फर्स्ट ट्रेन यहाँ से सुबह 7:25 पे निकलती है, एंड सेकंड यही वाली ट्रेन जो आपको सामने दिख रही है ये 2:20 PM पे यहाँ से निकलेगी, यानी कि 2:20 पे ये यहाँ से वापस जाएगी। ये यहाँ पर 1:45 पे पहुँची थी, और अब 2:20 पे यहाँ से वापस जाएगी, यानी कि आफ्टर 35 मिनट्स यहाँ पे इसका स्टे है। तो ये ट्रेन आपके सामने है जो कि सुबह 9:00 पे बारामूला से चलती है, आई थिंक 9:30 चलती है, और ये लास्ट स्टेशन इसका है संगलदान, जहाँ पे ये दिन के 1:45 पे पहुँचती है, और फिर यहाँ से वापस कश्मीर वैली की ही ओर जाती है। तो ट्रेन कुछ इस तरह की है, आपको दिख रही होगी डीजल इंजन वाली ट्रेन ये है। हालांकि इस वाले स्टेशन पे एक इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आती है, वो शाम को 6 बजे यहाँ पे पहुँचेगी, और फिर नाइट में यहीं वो रहेगी, एंड फिर मॉर्निंग में यहाँ से 7:25 पे निकल के कश्मीर वैली की ओर जाएगी। तो ये यहाँ की मैं आपको बता रहा था कि कौन सी ट्रेन कब आती है और कब जाती है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड सामने आप देख रहे हैं ट्रेन का ये व्यू काफ़ी ऑसम है। ट्रेन यहाँ से कुछ ही देर बाद निकलने वाली है, जैसे मैं आपको बताया था जो है संगलदान रेलवे स्टेशन से 2:20 पे ये ट्रेन निकलेगी। तो अभी टाइम होने ही वाला है इस ट्रेन के यहाँ से निकलने का। ये आप देख रहे हैं ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हो गई है धीरे धीरे, और ये वाली ट्रेन जो है ये मैंने आपको बताया अभी पहले डीजल इंजन वाली ट्रेन है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो यहाँ से निकल चुकी है सुबह 7:25 पे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे पहले मंडे टू सैटरडे दोनों ट्रेन्स जो है डेली बेसिस पे रन होती थी, और संडे को ट्रेन नहीं आती थी, लेकिन अब जो न्यू अपडेट है संडे को यहाँ पे ये वाली ट्रेन आती है जो आपको सामने दिख रही है, और ये वाली वापस भी जाती है, यानी कि एक ट्रेन संडे को भी यहाँ पे रन होती है, और जो दूसरी इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो शाम को यहाँ पे 6 बजे आएगी और सुबह जो है 7:25 पे जो निकलती है वो संडे को यहाँ से नहीं जाती है 7:25 पे। 7:25 पे आपको एक ही ट्रेन संडे को यहाँ पे मिलेगी, यही वाली ट्रेन जो कि यहाँ पे दिन के 1:45 पे पहुँचती है, और फिर 2:20 पे यहाँ से वापस जाती है, और पहली ही ट्रेन मीन्स के ओनली वन, ये एक ही ट्रेन यहाँ से कश्मीर वैली की ओर संडे के दिन जाती है, बाकी के दिन 2 ट्रेन यहाँ से जाती हैं और 2 आती हैं। तो ये अब ट्रेन जा रही है इस टनल नंबर 45 आई थिंक इसका नंबर है, शायद कुछ चेंजिंग भी आती है इनके नंबर्स में, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। चलिए जो भी ट्रेन का ये नंबर होगा टनल का वो हमें मैटर नहीं करता है, फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है और इस टनल में पहुँचने ही वाली है, आप सामने देख रहे होंगे। और इस टनल के बाद ये जो ट्रेन है सीधे जा के रुकेगी सुंबर रेलवे स्टेशन पर, और सुंबर रेलवे स्टेशन के बाद खड़ी, और खड़ी के बाद फिर बानीहाल, बानीहाल से आगे तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इस वाले सेक्शन में जो है ट्रेन सर्विसेज बहुत पहले से ही चल रही हैं। तो जो न्यू हमारा सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था बानीहाल से संगलदान, उसके बीच में ये जो 2 और रेलवे स्टेशन आ जाते हैं खड़ी एंड सुंबर, वो मैं आपको बता रहा था। तो फ़िलहाल ट्रेन जो है हमारे से निकल रही है
और मुझे लगता है कि इस व्लॉग को भी यहाँ से मैं एंड करके निकलता हूँ अपने रूम की तरफ, और आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।